इस समाचार के सह प्रायोजक है घर संसार, जहां उपलब्ध है एक नहीं 51,000 वैरायटियों के साथ कम दाम में अच्छी क्वालिटी का सामान। स्थान भोलाराम उस्ताद मार्ग एवं होटल किंग्स पार्क सयाजी के सामने, विजयनगर इंदौर। इंदौर में हुए एक सड़क हादसे में मां बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। ये हादसा राउत तेजाजी नगर मेन रोड सड़क पर हुआ। इस हादसे का शिकार हुई मां बेटी ओमकारेश्वर के लिए निकली थी और इस सड़क हादसे में महिला का पति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बा अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि पति की हालत खतरे से बाहर है। हादसों के शहर इंदौर की एक और सुबह बेहद बुरी खबर लेकर आई। राव पुलिस के अनुसार सड़क दुर्घटना सेज यूनिवर्सिटी के पास हुई, जहां करण सिंह चौहान, उनकी पत्नी छाया और 17 साल की बेटी दिव्यांशी तीनों बाइक से ओमकारेश्वर जा रहे थे। तीनों अचानक एक ट्रक चालक की लापरवाही का शिकार हो गए। इस घटना में छाया और दिव्यांशी की मौत हो गई। नए परिवार के सदस्य हैं जितेंद्र जी, उनका फोन आया हमारे पास कि मेरे भैया भाभी का एक्सीडेंट हुआ, तुरंत चले जाओ। हम गए वहाँ स्पॉट पे, देखा हमने तो भाभी और बिटिया तो स्पॉट पे शांत हो गई थी, भैया साइड में पड़े हुए थे। हमने भैया को उठाया और साइड में बिठाया और भैया से पूछा तो भैया ने बोला कोई अज्ञात वाहन पीछे से मेरे को ट्रक कर लेके चला गया और स्पॉट पे देख ही रहे हो। तो किस गाड़ी पे थे ये? कोई टू व्हीलर पे थे। अच्छा, टू व्हीलर। कहाँ जा रहे थे ये? ओंकारेश्वर जा रहे थे। ओंकारेश्वर क्या करते हैं भैया? क्या करते हैं ये? खेती करते हैं और ड्यूटी भी जब भी करते हैं, और बालिका पढ़ी करती है, 17 साल की बालिका। छायान की माता जी शांत थी, भैया दिव्यांशी बेटी शांत थी, भैया विनेश हॉस्पिटल में भर्ती है, करण सिंह जी उनका नाम है। इस हादसे में शिकार हुआ पति करण घायल है और उसका अस्पताल में उपचार चल रहा है।